स्वागत है आपका माइंड मेकर्स पर। मैं हूं धीरज कुमार और आज बात करेंगे ईरान में चल रहे हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर। 17 सितंबर को ईरान की महिलाएं अपने हिजाब को निकालकर सड़कों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने उतरी थी। बताते ये प्रदर्शन 22 साल की लड़की की मौत को लेकर किया जा रहा है, जिसे हिजाब न पहनने पर वहाँ के स्थानीय पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था और उसे इस कदर पीटा गया था कि उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, जहां उसने अपनी आखिरी सांसें ली थी। बता दें, ईरान के शरिया कानून के अनुसार महिलाओं को अपने बाल और मुंह ढककर रखने होते हैं। इसके अलावा उन्हें ढीले कपड़े पहनने की अनुमति है ताकि उनकी शरीर की आकृति ना दिखे। बताया जा रहा है कि वो लड़की कुर्दिस्तान से ईरान की राजधानी तेहरान जा रही थी और इसी बीच पुलिस ने उसे ड्रेस कोड को लेकर गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि पुलिस प्रशासन के तरफ से बयान आया है कि लड़की की मौत अस्पताल में हार्ट अटैक से हुई है, जबकि उसके परिजनों ने पुलिस प्रशासन के इस बयान को सख्त रूप से नकारा है। जबकि ईरानियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने उसके परिजनों से कहा था कि लड़की को एक छोटी सी री एजुकेशन ट्रेनिंग सेशन के बाद दोबारा छोड़ दिया जाएगा। बता दें, ये मामला तब हुआ जब ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने कुछ ही दिनों पहले महिलाओं के ड्रेस कोड से संबंधित सख्त दिशा निर्देश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि महिलाओं के हिजाब न पहनने पर उन्हें सख्त सजाएं दी जाएगी। बहरहाल ईरान में पूरे दंगे जैसा माहौल है, जहां महिला प्रदर्शनकारियों पर पुलिस प्रशासन टीयर गैस छोड़ रही है। इसके साथ ही कई महिलाएं सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए हिजाब को जला रही हैं और अपने बालों को भी काट रही हैं। सोशल मीडिया पर कई महिलाओं ने अपने बालों को काटते हुए वीडियो पोस्ट किया है। हालांकि ईरान इस मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय आलोचना झेल रहा है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स के ऑफिस ने इस मामले की जांच की मांग की है, जबकि अमेरिका ने इस्लामिक रिपब्लिक से महिलाओं की प्रताड़ना से संबंधित सभी नियमों को खत्म करने की मांग की है। इस पर ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिका इस मामले में मगरमच्छ के आंसू निकाल रहा है। इस मामले को लेकर अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें, ये मामला तब आया जब भारत के सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक में हिजाब बैन के मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। 21वीं शताब्दी में रह रहे लोग आज भी ऐसी संकीर्ण विचारधाराओं को मानते हैं, ये मानव जाति के लिए सबसे बड़ी विडंबना है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।